हुआ था। उठ के ब्रश कर लिया था। सो यहाँ मैं सुबह का रूटीन करते हुए मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे वो खाए, फिर मैं चली गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए क्योंकि इनको भी जाना था ऑफिस। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया पनीर पराठा एंड चाय, तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। एंड अभी मैं पनीर का स्टफिंग बना रही थी उसके, बट हरा धनिया भी नहीं, बहुत मिनिमम सामान से बनाना पड़ेगा। वेजेस ख़त्म हो गए और वो लेने जाना है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये जाने वाले थे ऑफिस, तो इनको पहले दे दूँ मैं चाय और पनीर पराठा, उसके बाद खाने के बाद मैं गई नहाने और ये आ चुकी हूँ मैं नहा के। एंड अभी इट्स टाइम टू डू अ गुड स्पिरिचुअल वाइब, अ पूजा। तो बस पूजा कर लेती हूँ एंड रोज़ की एक माला मैं करती हूँ, एक या दो जितना हो सके मेरे से पॉसिबल। तो पूजा ख़त्म होते ही मैं बैठ गई धूप में, थोड़ा विटामिन डी मिलते मिलते ये काम भी हो जाए। एंड बस मैं थोड़ा अभी ध्यान से हरे कृष्ण का जप करती हूँ मैं। तो ये जाप ख़त्म होने के बाद मैं फिर अपने लिए बनाऊंगी। फिर मेरा चैंटिंग फिनिश होते ही थोड़ा सा मेडिटेशन किया एंड मेडिटेशन होने के बाद मैंने अपने लिए भी पराठा बनाया एंड मैंने पराठा और चाय दोनों इन्जॉय किया। फाइनली बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि इतना सब कुछ रूटीन करते करते थोड़ा। और गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे आ रही थोड़ी सी नींद और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि बहुत डेली रूटीन सारा कंप्लीट हो चुका है, जैसे झाड़ू पोछा हो गया एंड कपड़े धोना एंड ऑल दैट, एवरीथिंग इज़ डन। दवाई ले ली, तो दवाई लेने के बाद मुझे पता नहीं क्यों नींद आती, तो मैं 15 to 20 minutes या तो हाफ एन आवर का एक छोटा सा नैप लेती हूँ, फिर मैं उठ के वापस अलग काम करती हूँ। और आज मुझे लेने जाना है वेजिटेबल्स, घर पे कुछ है नहीं तो मैं जाऊँगी खाली, बस मैं थोड़ा नैप लेके उठती हूँ देन हम चलते हैं। धूप से आते ही मैंने बना लिया था लंच एंड लंच में है मेरा राइस, आलू की सब्जी, करेले की सब्जी, राजमा की सब्जी, दाल एंड सलाद। एंड यहाँ मैं इनसे बात करते करते कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते करते मैं बता रही थी कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ऐसा करके मैं उनसे बात करते करते मैंने लंच तो कर लिया। एंड काफ़ी लोग बोलते कि इस टाइम पर करेला नहीं खाना चाहिए और मैं खाती हूँ थोड़ा बहुत, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लेकिन हाँ माइनर सा करेला खा लेती हूँ। और यहाँ मैंने बोला
के मुझे ऑब्वियसली ठीक नहीं लग रहा था और मैं आके पहुंच चुकी हूँ हॉस्पिटल और यहाँ मुझे अनफॉर्चुनेटली 5 days रहना है। मैं आपको पूरा सिनेरियो यहाँ बताने की ट्राई कर रही थी बट ड्यू टू मैं हॉस्पिटल में थी इसलिए मैं इतना ज़ोर से नहीं बोल पा रही थी सो मुझे पीछे से वॉइस ओवर ऐड करना पड़ा। यस बहुत ज़्यादा पेन होने लगा एंड मुझे लगा कि एटलीस्ट वंस मैं डॉक्टर को विजिट करके मैं जाके हार्ट बीट चेक करके आती हूँ कि एवरीथिंग मतलब सब कुछ सही है या नहीं। और जाते ही उन लोगों ने यार पता नहीं क्या क्यों क्योंकि मैं इस टाइम गई थी रात के टाइम 8:30 बज चुके थे एंड जाते ही मुझे लगा कि कोई नहीं दवाई ववाई देंगे और हार्ट बीट चेक करके छोड़ देंगे बट ऐसा उन्होंने नहीं किया मुझे सीधा एडमिट कर दिया। और बड़ा डर लगता है मुझे ये हाथ में तो वैसे भी इन लोगों ने पता नहीं कितने इंजेक्शन दे दिए थे मुझे एंड ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया कि क्यों पेन हो रहा है ऐसे। कोई कॉम्प्लिकेट सिचुएशन तो वैसे था नहीं बस माइनर सा मे बी कुछ उन्होंने बोला मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया है एंड कुछ टेस्ट वगैरह होगा कल सुबह तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा तो मैंने इनको अलविदा कर दिया। और लेट्स एक्सपीरियंस दिस जर्नी ऑल्सो ये भी एक प्रेगनेंसी जर्नी का पार्ट है कि मैं इतने दिन बिफोर डिलीवरी जाके हॉस्पिटल रुक के आई बट इट वॉज फन इट वॉज़ वेरी गुड। मुझे वहाँ भी अच्छे अच्छे थोड़े बहुत लोग मिल गए थे जो पेशेंट थे उनका डिलीवरी था तो चल गया। तो ये था एक छोटा सा झलक हॉस्पिटल का खाना एंड मुझे बहुत दिनों बाद थोड़ी सी चाय मिली तो मैं अपना चुपकुन की चाय पी रही थी एंड सुन के खुशी हुई कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि अब मुझे डिस्चार्ज मिलेगा। नाउ आई एम कम्प्लीटली फिट एंड फाइन। अब ऐसा माइनरली दर्द नहीं था बट हाँ इस जर्नी में थोड़ा बहुत दर्द होगा सो लेट्स गो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ घर जाने के लिए बस मुझे जाना है यहाँ से।